न्यू नॉर्मल में हर कोई प्रिकॉशंस ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद बाहर निकल के जितना नॉर्मलाइज हो सकता है पूरा हमारा एनवायरनमेंट वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो अनुराग की मम्मी हैं यानी कि मोहिनी बासु, वो भी निकली हैं अपने घर से शूटिंग के लिए। इनका कैसा होता है पूरा रूटीन, आइए आपको दिखाते हैं। मोहिनी बासु यानी कि शुभ्वी चौकसी निकली हैं अपने पहले दिन के शूट के लिए। 100 दिनों से भी ज्यादा दिनों तक घर में कैद रहने के बाद आज नई ताजगी के साथ, नई उम्मीदों और नए हौसलों के साथ वो निकली हैं अपने सेट पर जाने के लिए। शुभ्वी उत्साहित हैं और पूरी तरह तैयार भी। I don't know, 100 दिन शायद मार्च अप्रैल मई जून, oh my god, more than 100 दिन। हाँ, so बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स हैं, आई डोंट नो, एक्साइटेड भी हूँ, डरी हुई भी हूँ। देखना चाहती हूँ कि ये जो नया न्यू नॉर्मल जो लोग बोल रहे हैं वो कैसे जाएगा। शुभ्वी ने घर से सेट पर जाने से पहले अपना बास्केट भी दिखाया। देख लीजिए कोरोना काल में क्या क्या तैयारी की है मोहिनी बासु ने। देर आर नैपकिन्स, लॉट्स ऑफ टिश्यूज, फिर हाँ एक चीज थोड़ी अलग हो गई है, वो है ये गरम पानी के साथ, ये थोड़ा अलग है। एंड ये मैंने सेफ्टी के लिए रखा है। हाँ ये भी अलग है, एक्चुअली 3 चीज़ें। बीटाडिन है जस्ट टू गार्गल, ये कभी मेरे पास नहीं था, ये रख रही हूँ। नो इट्स अ स्प्रे, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, और इसके अंदर भी सैनिटाइजर्स हैं। जैसे कोरोना से लड़ने के लिए शुभ्वी तैयार है, वैसे नए मिस्टर बजाज का सामना करने के लिए भी। यू नो, मैंने ये किसी को यही कहा था, अंकुर को कहा था मैंने यही, आई सेड के करण सिंह ग्रोवर से करण पटेल आ रहा है, तो जब उन्होंने ये कहा आई सेड ग्रोवर इज गोइंग, पटेल इज कमिंग, यू नो, एंड आई वाज लाइक आर यू सीरियस, करण इज स्टिल देयर ऑन द शो, बट करण इज माई, आई मीन ही इज अ बडी, आई रियली एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिम, so he's always going to be there, touch wood. Karan Patel I had not worked with, so I really don't know. I think jab wo aayenge, abhi ye social distancing mein kab milungi also ye main nahi janti, but all the best to him. Ab corona ke baad kahani mein farq to bahut dikhega, Mohini Basu ke kirdar mein kitna farq dekhne milta hai is baat ka hame intezar rahega. Mumbai se Nishi Mishra ke sath ABP News Report. ये है ABP News, आपको रखे आगे।